व्हाट इज अप गाइस, थोड़ा सा सेटअप हमने यहाँ पर कर लिया है, थोड़ी सी बेटर क्वालिटी वीडियोस हमारे हाथ में आ गया है। वीवो Y51 कोई प्रो नहीं है, कोई मैक्स नहीं है, सिंपल सी इसकी अनबॉक्सिंग होने वाली है। सिंपल सा नाम है पर काफी कंफ्यूजिंग फोन है, काफी कंफ्यूजिंग इसके कॉन्फ़िगरेशंस हैं। हम इसके बारे में चेक करते हैं इन डेप्थ। जिन लोगों को पता नहीं है, वीवो की ओल्ड सीरीज 11, 13, 15, 17 और 19 जैसे ही है Y51, ये भी ओल्ड सीरीज में ये बहुत ही ज्यादा फेमस है वीवो की, और इन्हीं फोन की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के पैकेजिंग की बात कर ले तो ये फोन बना हुआ है मेड इन इंडिया के अंदर ही, और बात करें इसके कलर की तो यहाँ पर टाइटेनियम सफायर ये कलर कम सुपर हीरो ज्यादा लग रहा है नहीं। और दोस्तों ये फोन है मेरे पास 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो फटाफट कर लेते हैं इसके पैकेजिंग और लेड को ओपन। लेड ओपन करते हैं हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ऊपर से खुला हुआ एक डब्बा, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है ट्रांसपेरेंट केस और कुछ पर्चियां। उस स्कूल टाइम पे टेस्ट पेपर के अंदर वो छोटी छोटी पर्चियां बना देते ना, जिसके अंदर वो छोटा छोटा लिखते थे, की तरह लिख रखा है इसके अंदर, उसकी तरह बिल्कुल। वो छोटे छोटे अक्षर खुद के लिखे हुए समझ नहीं आते थे। तो दोस्तों इसको कर देते हैं साइड, और इसी के पीछे हमें यहाँ पर सिम टू इजेक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि अब चिटिंग नहीं करनी, अब डायरेक्ट फोन के बारे में बताना है। तो इसे फेंक देते हैं। और साथ ही में दोस्तों हमें एक और चीज देखने को मिलती है जो आजकल के फोनों में बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। दिखाता हूँ। और इसके बाद ये केस ये बहुत ही ज्यादा डिसेंट क्वालिटी में यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन हम भी कम थोड़ी खतरों के खिलाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, हम फोन को बिना इसके यूज करेंगे। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। इसी के बाद बॉक्स में हमें देखने को मिलता है हमारा चहेता फोन। इसको फटाफट निकाल लेते हैं और इसको इसके प्लास्टिक रैपर से भी बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका फर्स्ट लुक। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको कर देते हैं साइड और बात करते हैं बॉक्स के अंदर रखे हुए और सारी चीजों के बारे में, जिसके बारे में बता रहा था कि और सारे फोन्स में से वो लुप्त हो चुकी है। हाँ, तो दोस्तों इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाली है एक ईयरफोन वीवो की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। और ये दोस्तों कोई भी फोन अब देता नहीं है, पहले देते थे लेकिन एप्पल ने जब से देना बंद किया है सारी कंपनियों ने बंद कर दिया है। इसी के साथ हमें ए टू सी टाइप की यहाँ पर डिसेंट सी केबल देखने को मिलती है, और हमें यहाँ पर 18 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है इस वाले फोन के साथ। तो सारी चीजें यहाँ से साइड कर देते हैं और बात करते हैं हमारे फोन के बारे में। तो सारी चीजें हमने साइड में रख दी है और आपके सामने आ गया है टाइटेनियम सफायर का ये फोन। आपके पास नजरों की कमी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर प्लेट के अंदर बिल्कुल सजा के देखने को मिलती है। 1, 2, 3, 1 के साथ 2 का ऑफर चल रहा है यहाँ पर। पूरा प्लेट के अंदर सजा सजा के हमें यहाँ पर कैमरे देखने को मिलते हैं, एक प्राइमरी सेंसर और उसके साथ 2 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 4 मेगापिक्सल का चिपका देते हैं। मस्त भोजनालय चल रहा है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। अरे वो भाई, वो नए नए फोन की जो स्मेल आती है ना, वो जैसे कि वो नई नई किताबें जो खोलते हो उसमें स्मेल आती है यार, वो अलग ही होती है। तो फटाफट दोस्तों फोन के अपीयरेंस की बात कर लेते हैं और इसकी बॉडी की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे फोन के अंदर की। तब तक इसे बूट होने देता हूं। स्क्रीन हमें यहाँ पर 6.58 इंच की IPS LCD डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलती है 415 PPI डेंसिटी के साथ। राइट साइड में हमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट माउंटेड पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है, इसी के ऊपर हमें यहाँ पर वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है, इसी के साथ हमें यहाँ पर सिम ट्रे देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर बिल्कुल प्लेन देखने को मिलता है। नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो फ्लैट सर्फेस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है, प्राइमरी माइक देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए देखने को मिलता है, इसी के साथ स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। फोन के पीछे की तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें प्लेट में 3 कैमरे देखने को मिलते हैं और एक फ्लैशलाइट देखने को मिलती है। नीचे हमें यहाँ पर वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों फोन हमारा हो चुका है यहाँ पर बूट अप। दोस्तों वीवो Y51 के अंदर हमें 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें ये फोन है हमारे पास टाइटेनियम सफायर कलर में, और इसी के अलावा क्रिस्टल सिम्फनी कलर में भी ये फोन अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही में इस फोन में हमें यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, और इसका वेट की बात मैं यहाँ पर करूँ तो 188 ग्राम इसका बहुत ही लाइट वेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों सेटिंग में जाके बात कर लेते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन की। तो दोस्तों ये फोन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 के साथ, जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 665 11 नैनोमीटर्स पर बना हुआ प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। एड्रिनो की बात करें तो 610 का इसके अंदर हमें GPU देखने को मिलता है। रियर साइड में हमें यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा यहाँ पर देखने को मिलता है। और दोस्तों फ्रंट में हमें यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है नोच के साथ। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि सिर्फ एक क्लिक करते के साथ सीधा फोन अनलॉक हो जाता है। इसी के साथ मैं दूसरी फिंगर से करता हूँ तो ये फोन अनलॉक नहीं होता है, सिर्फ हमें सिर्फ एक फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना होता है और ये फोन सीधा अनलॉक ही हो जाता है। बात करूँ मैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो दोस्तों यहाँ पर ये स्लाइटली हल्का सा स्लो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, एज कम्पेयर टू फिंगरप्रिंट सेंसर। लेकिन दोस्तों डायरेक्टली पावर बटन के क्लिक करते के साथ
साथ ही अनलॉक हो जाता है। और दोस्तों बॉडी की यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पर एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है, लेकिन पीछे की तरफ हमें यहाँ पर पूरा प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मैं वीवो फोन के कैमरा की बात करूँ, बिना कैमरा की बात करें वीवो का फोन बिल्कुल ही अधूरा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके कैमरे की जो क्वालिटी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी क्लियर क्वालिटी हमें यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल रही है। इसी के अलावा यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक नाइट मोड देखने को मिल जाता है, जिसकी आपको सैम्पलिंग भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। मोड के अंदर जाके हमें यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि सीरियसली दोस्तों बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। बाकी आउटडोर में हमें पता चलेगा कि कैसा यहाँ पर क्लियर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर लाइव फोटो मोड देखने को मिल जाता है, प्रो मोड देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ स्लोमो एंड पनोरमा भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिच कलर के साथ हमें यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पर हमें 6.58 इंच की डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे कितनी डिसेंट डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आईपीएस पैनल हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, उसके बावजूद कितने रिच कलर इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, एक एक कलर यहाँ पर बिल्कुल निखार के हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिस्प्ले इसके अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें गोरिल्ला ग्लास का स्पेसिफाई नहीं किया है कंपनी ने कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, लेकिन वीवो के जो फोन है उनकी डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की हमें पर देखने को मिलती है। बाकी फोन बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा है, चलाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल स्मूथ हमें यहाँ पर फोन देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको Vivo Y51 की अनबॉक्सिंग की वीडियो, और पूरा डेप्थ में आपको ये रिव्यू जो आपको मिला है वो आपको कैसा लगा नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए, और पेटीएम वाउचर जीतने का मौका पाएं। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए फोन के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।